राज्य में 4000 पार कला संक्रमितों संख्या 24 घंटे 4445 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती पॉजिटिव को मध्यरु क्वारंटीन 2574 और लोकल केस 1871 रही सुंदरगढ़ सर्वाधिक 722 खोर्धु 587 संक्रमित चिन्हट होती तेरे 200 पांच जिला रही 100 भी पांचटी जिला रही 6 जिले में संक्रमितों संख्या 50 रही 19 दिन में 31687 संक्रमित चिन्हट हेले तेरे 2020 मसीहा सेप्टेम्बर 25 में संक्रमित संख्या 4340 थिला किंतु गत वर्षर परिसंख्यान को अतिक्रम कला आज दैनिक संक्रमण दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए संपर्क में आलोचना आम सहित जोड़ दिव्य जदि कह स्थिति आयत्तरे नहीं एक कहुपे आपटे डाक्तर एवं विशेषज्ञ मत आहुरी चिंताजनक स्थिति जदि यही भाव चले लगातार भाव जदि 4000 ऊर्ध आज 4000 ऊर्ध पजिट आसना कौट स्थिति बिगुड़ी आमती जदि सामान भाव देखा मिले तेज चिंताजनक कथ निश्चय देखु निवेदन निश्चित भाव में जो परिसंख्यान सामना तो निश्चित चिंताजनक किंतु ए विषय बहु पूर्व स्वास्थ्य विशेषज्ञ मान सरकार को चेताई देते उभय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को स्थिति अणायत हो चेताई से समय सरकार कौन पदक्षेप ने ना जहाँ को नहीं आज एभली स्थित संगीन होती से समय सरकार कटका करते आज हम स्थित न था आप देखु जिते बड़े कोरोना एप्रिल एक तारीख कथा देखिए एप्रिल एक तारीख में 300 परिसंख्यान चिन्हट होती दैनिक संक्रमण हिसाब से आज का दिन में 24 घंटा जदि देखा यही 24 घंटा भितर 4445 संक्रमित चिन्हट हेले तो 30 गुण पाखापाखि संक्रमित संख्या बढ़ुची तो यह स्थित जदि सरकार चिंता करते कि भाव में लोक मान घरे बांधि रखा जा पार और बड़ कथा हूँ विशेषज्ञ मैंने आहुरी मतलब कहते ये जो परिसंख्यान आगामी दिन में 25-30 हजार छुईब ओडिशा और भारत में 10 लक्ष छुईब दैनिक संक्रमण तो से स्थिति आहुरी के संगीन हो सकता आप चिंता करूँ तो आ गोटे बड़ कथ देखिए गत काली खोर्धार 700 ऊर्ध संक्रमित चिन्हट होते कि आज खोर्धार टी संक्रमित संख्या कम अच्छी आज खोर्धा जिले में 527 संक्रमित चिन्हट होती कि सुंदरगढ़ जिले में आज सर्वाधिक सर्वकाल रेकर्ड हो संक्रमित संख्या 722 संक्रमित चिन्हट होती यहाँ पूर्व के सुंदरगढ़ में एकाधिक एत संख्यार संक्रमित चिन्हट हो नाभि नुआपड़े 437 रही अंपटे आप देखिए 200 पांच जिला रही बेल 100 भी पांच जिला रही 6 जिला संक्रमित संख्या 50 अर्थात ये जो पांच जिले संक्रमित 400 रु अधिक संक्रमित यही पांच जिले में 10 जिला चिन्हट होती अंपटे 19 दिन भितर केवल 19 दिन भितर 31687 चिन्हट संक्रमित चिन्हट हो सारे सबुठ बड़ कथा हूँ आप देखिए जे मृत्यु संख्या भी समान अनुपात में बढ़िवार लगी विगत 10 दिन भितर पाखापाखि 30 जन जो संक्रमित रही मृत्युवरण कर सारे आज देखिए सुंदरगढ़ जिला 2 जन केन्द्रीय जन झारसुगुड़ा जन यही 4 जन मृत्युवरण करोना आक्रांत जहां बर्तमान मोट संख्या पहुंची 1948 तो बर्तमान मृत्यु संख्या को नहीं भय कर आवश्यक रोचे कारण यह परिस्थिति सृष्टि होती जे लोक कपड़ा मास्क पिंधिले काम देव ना जो विशेषज्ञ मैंने कहते सर्जिकल मास्क थ्री लेयर सर्जिकल मास्क दुईट पिंधा पड़ो नचे N95 कि N95 मास्क पिंधा पड़ो कारण जेहे वायुमंडल में बर्तमान कोरोना भाईरस व्यापुची से दृष्टिकोण बर्तमान एभरी पदक्षेप ने विश्वास चेताई आ गोटे कथा कहते जदि राज्य सरकार 2 सप्ताह मध्य स्वास्थ्य व्यवस्था भित्तिमि को न सजाड़ स्थिति आग को एभली अणायत हम जहाँ परिकल्पना ठू बाहर रही है एवं आ गोटे कथा देखो केन्द्र सरकार गत काली समान ढंग से समस्त राज्य को चेताई आप तुरंत सब स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार नियंतु कारण आग को स्थिति आहुरी भयंकर हम अर्थात केन्द्र सरकार प्रेडिक्शन राज्य सरकार प्रेडिक्शन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ मान प्रेडिक्शन समान कहती जे स्थिति आग भयंकर हम सबुठ बड़ कथा यार भितर लोक मैंने सचेतन होवार आवश्यक रही मैंने भी अमान्य आपत कहते जे विशेषज्ञ मान पूर्व उभय राज्य सरकार हूँ केन्द्र सरकार हूँ समस्त को चेताई देते आग को स्थिति भयानक हे तेणु दिव्य आपड़ भी जहाँ आम गत काली आलोचना करते बैठक बसुची जे कौन सब भित्तिमि आवश्यकता रही कौटना कौटी आगुरी सचेतन होवार आवश्यकता रही तेज आपण को लगुच राज्य सरकार कोविड मुकबिला प्रस्तुत अच्छा देखु राज्य सरकार गत थर जो मुकाबला प्रस्तुति रणनीति को चली
କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଯେଉଁ ମୁକାବିଲା ଥିଲା ଗତ ଥର ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଥିଲା ତାହା ଭିନ୍ନ ଥିଲା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଥର ସର୍ବାଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ 4340 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଥିଲା ଆଜି ସେ ସଂଖ୍ୟା ତମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଗକୁ 10,000 to 20,000 to 25,000 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁବ ଯାହା ବିଷୟ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆମେ ପଛରେ ପଡିଯିବା ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ତ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ରଣନୀତି ନ ଆପଣେଇବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନ ଯିବେ ତ ତାହେଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏକଥା ବିଶେଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହୁଛି 3T ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ରିଟ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଟ୍ରିଟ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଗକୁ ଯଦି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇଠିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ନ କରିବା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ନ କରିବା ଯଦି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 60 ଅତିକମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏ 60 ହିସାବ ଯଦି ବଢିବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ବଢନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବ ଏ କଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇଥିଲେ ତେଣୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ତତ୍ପର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ କୋଟି ନା କୋଟି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।